फॉग और ये सारा कुछ हाँ। आ, लेकिन ये है आप तो अभी तो, रहते हैं। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान में ना सर्दी वो जिस तरह तो होता है जैसे लाहौर की सर्दी है हाँ। ना वो घर ठंडे कर देती है हाँ, तो वो आप इंग्लैंड में होते हैं तो आपको स्पेशली आप अंदर चले जाते हैं तो सेंट्रल हीटिंग होती है सारा कुछ होता है

मूविंग नजर नहीं आती ऐसा ऐसे लगता सब चीज़ स्लो हो गई बिल्कुल ऐसे ही है सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इतने हमारी स्पोर्ट में ऐसी चीजें होती हैं स्कैंडल्स आ जा जा जाते हैं क्रिकेटर्स के काफी चीजें हो जाती हैं बट आपका कभी ऐसा कुछ नहीं निकला लाइक like, आपकी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और ग्रेसफुल इमेज रही है थैंक यू यू व्हाई डू थिंक थिंक दैट इज ये आई पेरेंट्स स्पेशली वाल साहब ने और यू नो जिस तरीके से तरबियत की है उसमें यही सबसे पहले उनका ये था कि कैरेक्टर जो है वो आपका बड़ा आ, अच्छा होना चाहिए जिससे आप आ, और आप एज इंसान अच्छे हो आ, तो कोशिश ये रही है कि अपने करेक्टर में कभी कोई आ, जो है वो कोई उंगली ना उठाए और इसके अलावा यू नो तो, फादर ने हमेशा ये मांगा है अच्छा नजर <coughs> भाई काफी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर स्ट्रीट क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं और उन्होंने स्ट्रीट क्रिकेट से ही एक तरह से शुरू किया है आपने कब क्रिकेट खेलना शुरू की मैंने बचपन से ही जब से हो संभाला है भाइयों को खेलते देखा ग्राउंड जाते थे यू नो मौका मिला चाहे टीवी लॉन्च हो चाहे घर में सेहन हो गार्डन हो बाहर हाँ। स्ट्रीट पे जब मौका मिला तब खेली ज्यादातर कोशिश होती थी या तो घर के अंदर खेलें या ग्राउंड में खेलें तो ये है कि जब से हो संभाला है बैट बॉल ये सारा और जब भी कोई भी वर्ल्ड कप होना फुटबॉल होना तो फुटबॉल का क्रेज अच्छा। हॉकी का होना तो हॉकी का क्रेज तो हम घर में ही डिफरेंट गेम्स बना लेते थे फुटबॉल होते थे तो फुटबॉल लेके शुरू हो जाते थे फिर यू नो घर में बहुत सारी गेम्स खेली हमने तो आई थिंक ये स्पोर्ट्स लविंग फैमिली से मेरा तल्लक रहा है और वाले साहब की भी बड़ी सपोर्ट रही है और हमेशा इंजॉय किया स्पोर्ट्स को तो क्रिकेट ऐसी चीज़ थी जब मैं बड़ा हो रहा था तो 92 जब मैं सात साल का था तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था सही और एक और मोटिवेशन आपके लिए बिल्कुल तो नाइन्टीज का अगर दौर देखें तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे हमारे तो उनको आ, देखते हुए बड़े हुए और आ, क्रिकेट का शौक रहा और ऐसा ऐसा वही शौक जो है वो पैशन और उसके बाद प्रोफेशन प्रोफेशन बन गया और अलहमद ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जिसमें जो जो चीज़ आप को जो पैशन हो आपका उसी में आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप सारी जिंदगी तो नहीं, हाँ। हाँ। नहीं कुछ और ना बस हाँ। तो खुशकिस्मत समझता हूँ जो गैजेट्स वगैरह आजकल हैं वो तो नहीं थे उस वक्त हम गेम्स इन्वेंट करते थे खुद बिल्कुल टाइम पास करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी और और टीवी भी एक दो चैनल होते थे बस उसी को देखना है मतलब आठ से ड्रामा लगना है, वो देखना है वो देखना बस वो एक रूटीन होती थी जल्दी सोने की आदत थी अब सबको जल्दी टाइम के हिसाब से सला देते थे तो टाइम टेबल एक सेट था वो पैटर्न बारह दस बारह साल जो लाइफ के गुजरे हैं ना उसको हमने उस तरीके से एंजॉय किया सर्दियाँ गर्मियाँ सारा कुछ जो है ना लोड शेडिंग से लेके हम हमने वो जो देखी भी आजकल हाँ। वो घर में कुछ छोटा सा मसला हो जाए ना अगर हाँ। आपके जैसे बैकअप प्लान होता है जो लाइट का वो कई दफा यू नो इमरजेंसी में खराब हो जाता है तो आज एक दो दिन पहले यही हुआ हुआ है

आम, एक ये है कि बस मैं, मैंने एक और इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि हम खेलते होते थे घर और अबू मना करते थे अच्छा। कि घर घर नहीं खेलना ग्राउंड जाके खेलो तो हम जब अबू जाते थे तो आ, हम खेलना शुरू हो जाते थे तो भाइयों ने ना, ना मुझे नाराज किया था किसी बात पे ना तो या कोई अब एग्जैक्ट बात नहीं याद तो मैं नाराज था उनसे तो मैं अबू के साथ बाहर गया और अबू की जो बाइक थी ना उसमें थोड़ी सी आवाज आती होती थी तो आपको दूर से पता लगता था अब की बाइक आ गई है अच्छा। तो सारे ना अंदर चले जाते थे आ, छोड़, छोड़ के ना सारा कुछ और बिल्कुल सेट करते थे सारे अच्छा। तो मैंने का कि गली के बाहर ही ना बाइक बंद कर लेनी हम पैदल जाएंगे हमने इनको पकड़ना है अच्छा। हमने बाइक बाइक बंद की और फिर नास चल के गए और वो नीचे से ना एरिया से नजर आता था तो वो बड़े मजे से खेल रहे थे तो मुझे बचपन की ये शराब मुझे याद है अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई में थे अच्छे अ uh, इंटेलिजेंट था uh, लेकिन मैं स्टडी इतनी ज्यादा की नहीं मैंने शौक नहीं था uh, नहीं शौक की बात नहीं है uh, एक तो क्रिकेट uh, में बहुत जल्दी आ गया सही और दूसरा अबू ने मेरे पे एक्सपेरिमेंट ये किया था होम स्कूलिंग की थी तो मैं एट क्लास तक फिर पढ़ा उसके बाद फिर गेम के साथ uh, हो गया लेकिन यह है कि मैं होम स्कूलिंग में अब अगर आप बात करते देखते हैं तो कोई भी ये नहीं समझता कि मैं स्कूल नहीं गया हुआ आ, तो ये अबू ने स्टार्ट में बेसिक इतनी अच्छी कराई थी मेरी और मैं इंजॉय करता था जितनी देर अबू से पढ़ता था मैं बहुत इंजॉय करता था अच्छा तो, क्रिकेट में एजुकेशन काम आती है बिल्कुल आती है देखिए एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिग्रीज कितनी हासिल की एजुकेशन नॉलेज जो है वो आपके पास Uh, हो और आपको एज एज ए, एज ए पर्सन ग्रो करने का आपको पता होना है, होना होना चाहिए एक्सपोजर एक्सपोजर आप एज, आप सेट एक जगह रुक ना जाए हमेशा आपकी लाइफ में सीखने का अमल जारी रहना चाहिए हुँ. और मिस्टेक्स करने से आप ना घबराए तो उतनी उतनी जल्दी आप ग्रो करते हैं जैसे आपने ये इंग्लिश की बात की है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत रोल किया जाता है इंग्लिश के ऊपर आपको क्या लगता है क्या वो सही है क्या वो

ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप सीख सकते हैं तो सीखे जरूर अगर नहीं सीखी तो कोई ऐसा मसला, मसला नहीं।, नहीं और दुनिया में बड़े बड़े फुटबॉलर हैं जो नई इंग्लिश में नहीं बोलते देखते हाँ। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पहले इंटरव्यूज निकालने तो उनसे नहीं बोली जाती हाँ अब आहिस्त उन्होंने इतना एक्सपोजर हुआ है और बोलना शुरू हो गया इस तरह मेसी को मैंने बहुत कम देखा है इंग्लिश में उर्दू वो वो तो इतने टॉप के प्लेयर्स है वर्ल्ड के

उन्होंने घबराया नहीं कि वो मिस्टेक कर रहे हैं और जब आप इंग्लैंड में या कहीं ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ उनको पता है इसकी मदर लैंग्वेज नहीं है, नहीं है। और उससे वो मिस्टेक कर रहा है वो उसको ये नहीं करते उसको ट्रोल करें उसको वो हेल्प आउट करते हैं बल्कि उसको अप्रीशियेट करते हैं इतनी भी बोल रहे हैं आपको अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग याद है बिल्कुल क्या था मतलब कोई इसका सिली किस्सा शेयर करें हमारे साथ देखिए जब भी आप मे, मेरा लॉर्ड्स पे डेब्यू हुआ और मैं डेब्यू से पहले भी बड़ा सुकून में था कोई मस्तानी मतलब आप एब्जॉर्ब कर गया मैं सारे कहते थे रात को नींद नहीं आती मैं पूरे सात आठ घंटे सोया आ, मुझे एक दिन पहले पता लग गया था तो मैं इस इस लिहाज से था कि यार ठीक है लेकिन जैसे ही जब मैच वाले दिन ग्राउंड में होते हैं ना तो हल्की सी वो जो फीलिंग आती है तो थे, प्रैक्टिस करके थे, की टीम को देखते ही नहीं थे तो वो वो लॉर्ड्स की आ, जो वाइब है थोड़ी सी वहां पे ना वो जब क्राउड ना आपस में बात करता है तो ऐसे लगता है बी जैसे होती है ना उस तरह करके साउंड आती है तो वो एक जो है ना आपको मुझे वो बहुत ज्यादा कर रही थी

एक एक दो मैच लगे थे उसको ओवरकम करने में आ, लेकिन यही था कि वहां पे जो भी स्पोर्ट्स स्टाफ था हमारा या जो भी इंटरनेशनल लोग थे शेन मोहन एक दफ़ा पार्किंग में जब हम वापस जा रहे थे आ, पहले दिन के बाद आई थिंक तो शेन बोन ने ये बोला था कि डोंट ट्राई टू प्रूव एनी थिंग जस्ट इन्जॉय दिस गेम एज इज एज इट इज योर लास्ट गेम तो उसने बड़ा वो मुझे आज तक याद है कि यार उस गेम को एंजॉय कर लो जो खेल रहे हो बिल्कुल ये ना सोचो अगली गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी हम अगले का जब सोचते हैं तो प्रेशर हाँ, आता है बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे बहुत काफी चीजें आसान कर दी उसकी ये दो वर्ड्स ने कि इट लाइक दिस इज योर लास्ट गेम एंड एंजॉय इट मेक मोस्ट ऑफ इट नाइस सो दैट दैट वाज अ ग्रेट डेट आई थिंक एडवाइस मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को भी ये देता हूँ हाँ। यही आपका आखिरी है इसी को एंजॉय करो और है आपने है तो। क्या सोचा था कि ये एक मैच खेलोगे हाँ। जब आपको मिल जाए तो उसको एंजॉय करो फिर आज एक्सपेक्टेशन और अग, अगर आप देखें भी तो डेबिटेंट्स से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होती एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस है तो डेब्यूटेंट्स को ना ज्यादातर एंजॉय करना चाहिए हाँ, हाँ, तो का तो का बस आप जो आप खेलो बस आपको जो आता है बस खेलो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ऐसे आते भी टीम में शामिल कैसे हुए किसने आपको एज नोटिस किया एज अ बैट्समैन देखिए मैं दो-तीन साल मैंने ना फ्रॉम आई थिंक 2007 टू तो 9 मैंने बहुत परफॉर्मेंस भी दी थी नहीं सॉरी 6 टू 6 टू 8 तीन सीजन मैंने परफॉर्मेंस दी फिर क्योंकि नाम चलना शुरू हुआ तो फिर फिर दो सीजन मेरे फिर और टेन वाला भी ऑलमोस्ट अच्छा uh, नाइन वाला और टेन मेरा इतना अच्छा नहीं गए थे जिस बिफोर uh, मेरी सिलेक्शन हुई uh, लेकिन वो रेपटेशन गई भी थी uh, जब ये uh, स्पेस आई नंबर तीन के लिए तो आई थिंक वकार भाई कोच थे और मोहसिन खान चीफ सिलेक्टर थे मोहसिन हसन खान तो उन्होंने जो है ना वो अपना सारा देख में खेला था कराची में शोब अख्तर खेल रहे थे अच्छा। फेडरल जो की टीम से ना अच्छा। और हम मैं पंजाब की टीम से खेल रहा था तो वो शोब भाई का स्पेल मैंने खेला था मोहसिन हसन खान सब सिलेक्टर थे वो देख रहे थे अगले मैच में मैं इंजर्ड हो गया मैं नहीं खेला फिर उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया

पाँच ही छह मैच हुए थे तो तीन तीन सौ किए थे तो बस उधर से उन्होंने भी रिकमेंड किया फिर बकार भाई को ने भी जितने बॉलर से पूछा कि जी डोमेस्टिक में नंबर तीन ओपनर कौन अच्छा है तो सबने ऑटोमेटिकली यहा की तरफ से मेहरबानी है उन्होंने नाम लिया मेरा फिर मैच के लिए बुलाया वहां पे भी मैंने परफॉर्म कर दिया अच्छा। तो वो ये कि उस दो सालों में मैंने कोई ज्यादा परफॉर्म नहीं किया हुआ था आ, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी मैंने श्रीलंका के खिलाफ शौक किए थे साइड मैच में फिर पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच हुआ था उस आपस में भाई वगैरह पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के शोबानी मैंने 75 वनडे में किए थे तो वो एक था कि हाई क्वालिटी के गेंस मैंने रन किए थे जिसका जिसकी मुझे एडवांटेज मिला और ये सब आ, टेक्निकली मुझे मैं बहुत पसंद आया था इसके बाद फिर वो बनते बनते रेपेशन फिर आगे

रही भी है ये डोमेस्टिक में मैं पहले बॉलरों को अच्छी तरह तक सिखाता था और अपनी तरह से यही होता था कि मैंने नया बॉल जो है सी ऑफ करना और जब हम खेले मैली एज ए बैट्समैन जब मैं खेला हूँ तो ग्रीन पिचेस पे ज्यादातर मैचेस होते थे ग्रेस का बॉल होता था सीम राउंड होता था तो यही होता था रोल यार नया बॉल जो है वो निकालना है पहले बॉल को पहले संभाल लें उसके बाद बनाएंगे तो इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी रोल मेरा यही बना कि मैंने नए गेंद को जो है ना वो निकालने है पहले तो अब उसके अंदर एक चीज सामने आई कि हाँ ये है कि लिमिटेशन स्टार्ट में ज्यादा थी अः लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंट जरूर था और आ, सूट करता था पाकिस्तान को उस टाइम पे ये स्टाइल और जहां पे जरूरत होती थी वहां तेज भी खेलते थे लेकिन ये है कि जब मैं पहली इनिंग में जाते थे तो मेरा यही होता था कि बाकी प्लेयर्स इस चीज को कवर कर लेंगे मैंने ये चीज करनी है कि मैं नया बॉल पाकिस्तान टीम को निकाल के सही तो वो बस ये एक दफा वो बन गया कि ये स्लो खेलता है फिर मैंने भी अपने आप गेम को बेहतर किया सारा कुछ किया फिर मैंने आपको याद होगा इस ए, ए, मैच जीते थे हम श्रीलंका अगेंस्ट ओवर्स, ओवर्स में हमने सेवन ओवर तीन सौ दो चेज किए थे उसमें मैंने सौ किए थे सही आ, तो जहाँ पे टेस्ट मैच में तेज खेलने की जरूरत थी मैं खेलता था आपको सबसे ज्यादा मुश्किल बॉलर कौन लगता था मुझे इंग्लैंड स्पेशली सीमिंग कंडीशन में जेम्स एंडरसन बहुत मुश्किल लगते थे और जो स्पिन कंडीशन है उसमें रंगना हिरात जो है वो जैसे श्रीलंका कंडीशन या दुबई वाली कंडीशन में ना स्पेशली नए बॉल पे जब वो आ जाता था वो बहुत टफ करता था सही क्योंकि उसको आप... भी समटाइम नहीं पता होता था कौन सी बॉल टर्न होनी है कौन सी नहीं होनी हाँ। तो वो ऐसी जगह पे कंसिस्टेंटली फेंक더라 था आपको भी गस वक्त चलता ही रहता था आपका पर मजा आता था उस चीज में मतलब दोनों के खिलाफ सेंचुरीज भी की है हाँ, बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि कभी वो ले जाते थे बिल्कुल सही लेकिन ये कि एंडरसन हो गया हिरात हो गया आपको बॉल नहीं देंगे आप इतने आराम से अच्छा क्या आप आराम से रन बना ले हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है आपने काफी मुश्किल मैचेज में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है लेकिन कभी थोड़ा

मैं समझता था कि उस टाइम में तीन चार सेंचुरी और कर सकता था लेकिन आई थिंक इन अ बिगर गोल हमने कोशिश की कि हम मैक्सिमम थ्री हंड्रेड थ्री फोर्टीज इस तरफ जाए उसमें काफी फेलियर्स भी आए लेकिन आ, फिर एन दी एंड मुझे ये लगता है पाकिस्तान में ना आप कोई भी चीज चेंज करने जाते हो ना लेकिन फिर इतना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट भी सिलेक्शन कमेटी भी फिर सारी वो जो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कोई भी चीज अप्लाई करनी है आपने उसके रिजल्ट्स देने के लिए आपको दो साल देने चाहिए सही आ, हम जो हैं वो तीसरी दूसरी तीसरी सीरीज बल्कि वो भी बहुत मैं ज्यादा बता रहा हूँ अगर हम हार जाए ना तो हमारे हमारा यू टर्न लग जाता बिल्कुल है बिल्कुल ऐसे ही है और हालांकि लेकिन मैं खुश हूँ उस टाइम अलहमदुल्ला उस टाइम पे हमारे कोई डेब्यूज हुए थे। आज वो आ, मेंबर्स हैं टीम exactly. और उसमें वसीम ने तो खैर रिटायरमेंट ले ली बाबर आजम का डेब्यू हुआ उसमें हसन अली का डेब्यू हुआ उसके अंदर काफी सारे प्लेयर थे रिजवान का डेब्यू अच्छा। हुआ तो बहुत सारे प्लेयर नवाज ये सारे उसी टाइम में आठ नौ प्लेयर्स इफ्तार ये सब लेके आते थे तो सारे उस टाइम भी ये बातें लगती लेके आ गए दोस्ती यारी पे लेके आ गये लेकिन हमने उनके साथ क्रिकेट खेली होती है हमें पता होता ही है ये क्या केपेबल है किस चीज की केपेबल है और कई प्लेयर ऐसे भी लाए जो हमारी टीम से नहीं होते थे लेकिन उनको देखा होता था तो इसलिए लेके आते थे कि ये सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान हाँ। को और आज वही प्लेयर टॉप प्लेयर्स आपके गिने जाते हैं बहुत मजा आ रहा है बातें करने का थोड़ा बहुत आप खाए पिए हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं Welcome back after the the break. Let's just continue with the conversation. आपके टाइम में सबसे ज्यादा प्रैंगस्टर कौन था प्रैंगस्टर प्रैंगस्टर बड़ा इमाम बहुत बड़ा है इमाम तो है ना है, बहुत बड़ा तो है हसन अली हसन अली यस yes. और जो अगर अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाए तो हाँ। सईद भाई आपके साथ कभी प्रैंक हुआ है कोई ऐसा मेजर नहीं याद अच्छा आ, लेकिन ये कि छोटी छोटी शरारतें शुगर लगाते रहते तो लगाते हैं लगाते हैं स्पेशली हाँ। ऐसी चीजें करते जिससे कोई सीनियर नाराज हो जाए तो उसके लिए करके दे देते हैं फिर उससे पीछे हट जाते हैं आ, इस तरह की चीजें अच्छा जैसे यूनस भाई होते थे ना यूनस भाई को गुस्सा चढ़ जाता था अक्सर अगर कुछ कुछ ड्रेसिंग रूम में चीज आगे पीछे होगी तो करके ऐसी चीज जरूर करते थे कि जिसमे कोई और फंस जाए वो तो बड़े हसमुख इंसान थे <laughs> नहीं हसमुख तो है लेकिन वो ही वेरी प्रिसाइज कि उनके सामान जो है जैसे आप कर करें कि मैं आप मेरे साथ बैठे हुए हाँ। तो यूनस भाई तो अगर कोई बंदा ऐसा जो अन है ना अपने सामान के साथ तो उसके साथ तो फिर वो टेप लगा के लाइन लगा रहे थे इसको अच्छा। क्या सुना तो अक्सर <laughs> ये होता था कि किसी का ग्लव्स उठा के हाँ। ना यूनुस भाई क्या ही कर दिया हाँ। वो उधर तो प्रैक्टिस कर रहे क्या <laughs> तो आज आगे देखते थे तो वो फिर उसको जाना लगे तो सही मैंने नहीं कहते मैंने नहीं किया उनको ओसीडी वगैरह होगा कुछ अच्छा तो आपके वैसे 90s के क्रिकेटर्स की इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड में स्पेशली जी जी तो आपको लगता है वो चार्म है

तो आपको याद आ जाएगी उस टाइम की थिंक बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो आ, क्रिकेटर्स के साथ तो आई थिंक अभी आप देख लें कभी भी कोई सीरीज ऐसी होगी जिसमें चीजें नॉर्मल हुई या यू you नो know,

वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो नीचे तो सारे यंगस्टर्स है और आई थिंक वो माहौल मैंने आ, इवन के आपके डैड भी कहते हैं कि ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा सही। और जो प्यार जो और जो मोहब्बत और जो यू नो जिसको कहते हैं ना, ना बॉन्ड आपस में वो बहुत ज्यादा था वो सात साल वो नहीं टूटा और उसके बाद भी आई थिंक जो लेगेसी उनकी थी कैरियर उनकी टेस्ट टीम में हम सब ने बिल्कुल, बिल्कुल।

यार अच्छी बात नहीं है ना यार इसे करने के लिए शहर शहर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने आ, के करने के के लिए लिए तो सारे ही तकरीबन आई थिंक सैफी को ज्यादा चलाओ ना हाँ। <laughs> हाँ। <laughs> भैया को चला तो हाँ। थक गए साइड पे लेकिन उसके अलावा यू नो वह जाके एक्सप्लोर करनी चीजें देखना नई जगह जाके देखनी घूमना और इसके अलावा फिर अगर यू नो गोल्फ शोल्फ भी हमने खेली फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर्स हम बहुत एंजॉय करते थे सही ऑस्ट्रेलिया के टूर ओके okay. वैसे अजर भाई क्रिकेटर्स को फास्ट फॉर्मेट्स ज्यादा पसंद है लीग्स वगैरह और इस तरह की आपने अपने आप को ट्रेन किया है लॉन्ग फॉर्मेट्स के लिए किसी की गाइडेंस थी नहीं नहीं कई दफ़ा आपको मजबूरी लगती हाँ, है तो मैं मेरा जो स्पेशलिटीज थी वो ज्यादातर लॉन्गर फॉर्मेट के लिए थी फिफ्टी ओवर एंड जो टेस्ट फॉर्मेट है टी हाँ। ट्वेंटी अपने पी ने नहीं वफा की हमारे अच्छा, साथ हाँ, हाँ। <laughs> तो हम, हमने किधर जाना था और खेलने के लिए तो पी ये है कि थोड़ा सा थोड़ा सा शिकवा है कि बहुत जल्दी हालांकि सेकंड लास्ट गेम में मैंने बड़ी तेज फिफ्टी की थी लेकिन ये कि हमारे ना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम पीएसएल में जो शकील इवन देखें ये इमाम देखें जो आपके फिफ्टी ओवर के प्लेयर्स हैं वो टी ट्वेंटी में नजर नहीं आ रहे होते हैं बिल्कुल तो दैट इज अ वेरी थिंग मैं तो खैर चले रेपुटेशन वाइज ही ऐसा था ना कि यार ये बहुत तेज नहीं खेलता आ, लेकिन ये लोग तो फिफ्टी ओवर के परमानेंट मेंबर हैं बिल्कुल आ, मैंने चैंपियंस हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती फाइनल में उसके बाद में अगले साल पीएसएल में पिक नहीं हुआ अच्छा पिक हुआ भी तो उन्होंने खिलाया नहीं तरह है कितना जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने टेस्ट में फिर वनडे में भी अभी वर्ल्ड कप खेल रहे थे आ, बड़ा मुश्किल से अभी आ, फिर क्वेटा ने लिया लेकिन लास्ट थर्टी नाइन मैचेस के थर्टी एट मैचेस हो गए शायद वो मैच ही नहीं खेला कोई सही आ, इसी तरह असस शफीक भी ऐसा ऐसा साइड पे हो गए फिर इमाम को देखा अभी जल्मी से एक सीजन खेला ठीक परफॉर्म किया अगले एक दो मैचेस के बाद उसको निकाल तो आई थिंक बहुत यहीं से तो उनकी गेम और प्रोग्रेस करनी है वाइट हाँ, बॉल की तरफ बिल्कुल वहाँ पे हम उनको बायर कर देते हैं वहां नहीं खिलाते मेजर इवेंट आपका जो है वो ये प्लेयर्स जो फिफ्टी ओवर वाले खेल ही रहे तो आप लोग इनका शो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं आपकी काफी

हमने मेरे ख्याल से लास्ट जब कोई बड़ी चीज जीती थी पाकिस्तान ने आई उसके बाद से वर्ल्ड आपको, कि आपको जब भी कोई टूर्नामेंट जीतना है जब भी आपका कोई मेजर इवेंट आप जीतेंगे तो आपकी बॉलिंग जिताती है आप चैंपियंस ट्रॉफी भी देख लें बैटिंग ने जरूर परफॉर्म किया था लेकिन इन दी एंड बॉलिंग ने जिताया था जो आपकी अगर आपकी बॉलिंग टॉप क्लास होगी अदर देन अदर टीम मतलब उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे आपके बॉलर्स तो आप देख लें वो टूर्नामेंट आप जीत जाएंगे या है? आप बहुत अच्छा करेंगे आप आप अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में देखें इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रही थी वो फाइनल तक गए बड़े आराम से गए कोई मैच फंस के भी नहीं हुआ उनका सिवाय एक मैच शायद

टाइम पे आपको परफॉर्मेंस मिल रही है नहीं मिल रही यू नो uh, you know, बाबर आजम इज यू नो द बिगेस्ट ब्रांड आई आई फील कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर प्रोड्यूस किया बिल्कुल uh, चाहे इमरान खान थे फिर वसीम अक्रम है लेकिन आई फील के जो एज ए बैट्समैन किसी ने पाकिस्तान को आ, दुनिया के आ, दुनिया में अगर नाम दिलाया ना वो बाबर आजम सबसे ऑन टॉप बाकी भी बहुत ग्रेट बैट्समैन गुजरे हैं बट बन नाम hmm. बनाया लेकिन बाबर आजम yes, लेकिन ये कि है, नहीं केन विलियमसन है hmm. वो भी टूर्नामेंट कोई नहीं जीत सके शायद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल वो जीते हैं लेकिन बड़े फाइनल्स खेले सेमीफाइनल खेले लेकिन ट्रॉफी नहीं वो उठा सके लेकिन मुझे बहुत देख के थोड़ी सी डिसमेंट भी होती है कि यार वो देखें कितने सुकून से कप्तानी कर रहे हैं हमारे ये है कि जब कुछ होता है तो कप्तान तो सबसे पहले सब, जाता हाँ। है आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं नहीं आ रही है बिल्कुल तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ऐसे हैं उन्होंने तो जिंदगी में लगता है कोई गलती की नहीं तो वो जैसे सीधे कप्तान को पड़ जाते हैं

शायद मैं ज्यादा करता हूँ हाँ। लेकिन टाइम ट्वेंटी परसेंट लगाता हूँ अपनी बेगम के हाँ। उससे तो मैं अच्छा। इंग्लैंड भी भी हम जब होते हैं ना हाँ। तो मैं कहता तुमने शॉपिंग करनी है हाँ। जाओ करो मैं हाँ। नहीं जा रहा भी आप रिटायरमेंट के वक्त काफी इमोशनल भी थे जी जी ये हाँ। आपका खुद का डिसीजन था या कोई मजबूरी थी या समथिंग नहीं खुद ही डिसीड डिसाइड किया था ऑब्वियसली सरकमस्टेंसेस uh, जब बन जाते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से डिसीजन करना जो मैंने यही सोचा था कि रिस्पेक्टफुल वे में क्रिकेट छोड़नी है अच्छा मैं आपसे अब आपके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछूंगा ठीक है।, है तो आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड हां इट्स अ रियली नाइस प्लेस फेवरेट म्यूजिक फेवरेट म्यूजिक अह क्लासिकल और कोई फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं नसरुफतिली खान इज ओके अनबीटेबल एंड फेवरेट मूवी फेवरेट मूवी थ्री डियट्स आप कभी कोई क्रश रहे हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड का इतने सारे नहीं अच्छा <laughs> <laughs> सही फेवरेट कंट्री टू विजिट अगेन एंड अगेन

ओके okay. अच्छा अब मैं आपने इनको रैंक करना है इनकी लुक्स के लिए ठीक है नसीम शाह इमामुल हक मोहम्मद रिजवान और शाहिद अफरीदी नसीम शाह नंबर वन शाहिद अफरीदी नंबर टू तीसरा कौन इमाम था इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान रिजवान है इमामुल हक ओके ठीक है <laughs> 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 <मेरे> हाँ. <laughs> उसने खुद को भी अपने आप को लास्ट भी रखा था इस चीज में <laughs> बहुत आया से बात करके अजय भाई यू गाज ऑल्सो स्टे यून फॉर मोर आप लोग देखते रहिए समालाउंज और हमें कॉमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच